गाजा में इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो इजरायली सेना के हमले में 41 लोगों की मौत हो चुकी है और इन 41 लोगों में से 33 लोग उत्तरी गाजा के जबालिया में मारे गए हैं, जहां इजरायली सेना पिछले 17 दिनों से लगातार गहन सैन्य अभियान चला रही है। इजरायली सेना ने इस बात का बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि उसने सीरिया में हिजबुल्ला के मनी ट्रांसफर यूनिट के प्रमुख को मार गिराया है। दावे के मुताबिक हिजबुल्ला के मनी ट्रांसफर यूनिट का प्रमुख एक कार में सवार था, जिसमें उसे टारगेट किया गया है और उसे मार गिराने का बहुत बड़ा दावा इस वक्त किया जा रहा है। कार में मौजूद था मनी ट्रांसफर यूनिट प्रमुख, जिसकी तस्वीर भी अब सामने आ चुकी है और इसी तस्वीर के जरिए दावा किया गया है कि वो प्रमुख यहाँ पर मारा जा चुका है। आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले के बाद लेबनान से लाखों लोग सीरिया में शरण लेने को अब मजबूर हो गए हैं। लेबनान के सरकारी आंकड़ों की अगर माने तो अब तक 3,30,000 से ज्यादा लेबनान में रहने वाले सीरियाई शरणार्थी सीरिया में जा चुके हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि 70% स्कूल में पढ़ाई नहीं हो पा रही है और उसके पीछे की वजह है सबसे प्रभावित इलाकों के शेल्टर में तब्दील हो जाना। इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर ड्रोन अटैक के मामले में नेतन्याहू की पत्नी सारा ने बड़ा बयान दे दिया है। सारा नेतन्याहू ने कहा है कि नेतन्याहू को मारने की कोशिश हम सभी के लिए, इजरायल के लोगों के लिए, हमारे लोगों के मूल्यों और तरीकों के लिए एक गहरी चोट है। मैं हम सभी के लिए शांतिपूर्ण दिन और सुरक्षा की कामना करती हूँ।